आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसमें से एक क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत सारे बेसिस है जिसके आधार पर हम अपकेंद्री पंप का वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। वर्किंग हेड, केसिंग, इम्पेलर, है ना, और इसमें शेप ऑफ वेन, पोजीशन ऑफ शाफ्ट, इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। इसमें से एक है अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस, है ना, स्तर के आधार पर भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज या चरणों की संख्या के आधार पर या स्तर की संख्या के आधार पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को दो भागों में बांटते हैं। एक है सिंगल स्टेज और दूसरा है मल्टी स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें केवल एक ही इम्पेलर होता है और एक ही शाफ्ट होता है ना। तो उस तरीके के पंप को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेज या एक स्तरीय अपकेंद्री पंप। मल्टी स्टेज या बहुस्तरीय सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, वह सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक इम्पेलर हो। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है पांच इम्पेलर है और ये सभी इम्पेलर क्या हो, एक ही शाफ्ट पे लगे हो, या हो सकता है अलग अलग शाफ्ट पे लगे हो, या एक ही केसिंग में हो, या हो सकता है अलग अलग केसिंग में लगे हो। तो इस तरीके के सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज या बहुस्तरीय सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर दो इसमें इम्पेलर है तो इसमें डबल स्टेज बोलते हैं, तीन इम्पेलर है तो ट्रिपल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टी स्टेज या मल्टी चरण अपकेंद्री पंप क्या होता है, ठीक है। तो वह सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक इम्पेलर लगे हो और वो इम्पेलर एक शाफ्ट पे या अलग अलग शाफ्ट पे हो, या एक ही केसिंग या अलग अलग केसिंग के अंदर हो, तो उस सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम मल्टी चरण या मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब ये मल्टी स्टेज पंप क्यों बनाया जाता है या दो से अधिक इम्पेलर क्यों लगाया जाता है, तो उसके दो रीज़न होते हैं, दो कार्य होता है जिसके लिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाया जाता है। पहला कार्य है जब आपको हाई हेड चाहिए, अधिक ऊंचाई तक आपको वाटर सप्लाई करना हो, है ना, इसके लिए मल्टी स्टेज बनाते हैं। और दूसरा कारण है जब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करना हो या लिक्विड सप्लाई करना हो, है ना। तो हाई हेड पे आपको वाटर सप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लिक्विड सप्लाई करना हो तो उसके लिए भी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए दो अलग अलग पंप होते हैं, मल्टी स्टेज पंप होते हैं। एक होता है मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई हेड, उच्च शीर्ष के लिए मल्टी स्टेज पंप, और दूसरा होता है लार्ज डिस्चार्ज के लिए मल्टी स्टेज पंप। लार्ज डिस्चार्ज मतलब अधिक विसर्जन के लिए मल्टी स्टेज पंप। तो हाई हेड पंप कब मिलेगा, है ना, हाई हेड आपको कब मिलेगा, हाई हेड कब मिलता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, इम्पेलर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या सीरीज कनेक्शन किया जाता है। तो ये आप बोल सकते हो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का सीरीज कनेक्शन होता है हाई हेड के लिए। और वैसे ही लार्ज स्टार्स कब आपको मिलेगा, जब हम इम्पेलर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे, है ना, जब पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो आपको लार्ज डिस्चार्ज मिलेगा। तो ये आपका सेकेंड टाइप का जो पंप है ये पैरेलल कनेक्शन मल्टी स्टेज पंप भी कहलाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टी स्टेज पंप फॉर हाई हेड। इस तरीके के पंप में क्या होता है, दो या दो से अधिक इम्पेलर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक कॉमन शाफ्ट में कनेक्ट होता है और किसी किसी कनेक्ट रहता है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ये श्रेणी क्रम में एक इम्पेलर के बाद दूसरा इम्पेलर, फिर तीसरा इम्पेलर, ऐसा एक ही शाफ्ट में ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में कैसे, क्योंकि जब फ्लूइड एक इम्पेलर से फ्लो होता है तो वहाँ से निकलने के बाद ये दूसरे इम्पेलर में प्रवेश करता है, फिर दूसरे से निकल के तीसरे में जाता है। तो ऐसे श्रेणी क्रम में यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है।
तो इस तरीके के पंप को हम लोग बोलते हैं उच्च सेट्स के लिए मल्टी स्टेज पंप। तो ये सीरीज कनेक्शन रहता है। इसमें काम कैसे करते हैं, जैसे पहला इम्पेलर है तो इसका इनलेट हुआ है ना, पहले इम्पेलर से इनलेट हुआ और इसके आउटलेट से जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो दूसरे इम्पेलर के इनलेट में प्रवेश करता है। तो पहले प्रोपेलर के इनलेट पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी लो प्रेशर था, काइनेटिक एनर्जी अधिक, लो प्रेशर था, आउटलेट पे प्रेशर बढ़ गया इसके इनलेट से। अब यहाँ भी जो प्रेशर था वो कहाँ गया, दूसरे इम्पेलर में। तो दूसरे इम्पेलर में पहले इम्पेलर से निकले हुए फ्लूड का प्रेशर के साथ ये गया, तो यहाँ दूसरे इम्पेलर से जो वाटर बाहर निकलेगा या लिक्विड बाहर आएगा दूसरे इम्पेलर के आउटलेट से, उसका प्रेशर पहले वाले इम्पेलर के आउटलेट से ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लिक्विड के हाई प्रेशर को इनक्रीज कर देते हैं इम्पेलर की संख्या को बढ़ा के। इसके बाद अगर और तीसरा इम्पेलर लगेगा तो इसका इनलेट तीसरे इम्पेलर, इस दूसरे इम्पेलर का आउटलेट तीसरे इम्पेलर के इनलेट से कनेक्ट होगा और वहाँ से जो आउटलेट होगा तीसरे इम्पेलर से उसका प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगा। इस तरीके से सीरीज कनेक्शन दे के हम जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पंप के थ्रू उसका प्रेशर एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण वो हाई हेड या उच्च सीट्स तक फ्लो हो पाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा मल्टी स्टेज पंप यूज़ करते हैं हाई हेड के लिए। अब यहाँ पे हाई हेड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इम्पेलर्स है जो लगे हुए हैं सीरीज कनेक्शन में है ना, और एक ही शाफ्ट पे, और एच एम क्या है, हर एक इम्पेलर का मैनोमेट्रिक हाइट है या कार्यकारी शीर्ष है जिसके लिए वो कार्य करता है। तो टोटल हेड कितना प्राप्त होगा, वे एन इंटू एच एम करेंगे तो पूरे पंप का जितने इम्पेलर होंगे उसके इस आधार पर ये टोटल मैनोमेट्रिक हाइट या कार्यकारी शीर्ष हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने शीर्ष पर पानी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। और पहले ये तो हो गया हेड की बात, लेकिन डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज क्या होगा, चाहे आप एक इम्पेलर लगाएं या दो इम्पेलर लगाएं, यहाँ पर डिस्चार्ज कॉमन ही होगा या कांस्टेंट होगा या सेम होगा सभी इम्पेलर के लिए, क्योंकि इनलेट और आउटलेट का डायमीटर यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है सभी इम्पेलर के लिए। ठीक है, केवल यहाँ पे हेड को हम बढ़ा सकते हैं, अधिक ऊंचाई तक वाटर सप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टी स्टेज पम्प होता है हाई हेड के लिए। दूसरा जो मल्टी स्टेज पम्प है वो लार्ज डिस्चार्ज या अधिक विसर्जन के लिए है। अधिक विसर्जन का कैसे प्राप्त करते हैं, जब दो या दो से अधिक इम्पेलर को पैरलर कनेक्शन दे के जोड़ा जाए, पैरलर रखा जाए, दो अलग अलग शाफ्ट है, दो अलग अलग इम्पेलर है, या दो से अधिक भी शाफ्ट या इम्पेलर हो सकते हैं है ना, इसके लिए अलग केसिंग होता है, अलग शाफ्ट रहता है। ठीक है, ये जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एक इम्पेलर टर्बाइन है या पंप है और दूसरा पंप, दोनों के सम्प क्या है, एक ही सम्प है और एक ही सम्प है। तो ये पंप का आपका पंप नंबर वन है, इसका सक्शन पाइप अलग, पंप नंबर टू इसका सक्शन पाइप अलग है, और दोनों का डिलीवरी पाइप भी अलग अलग है, लेकिन आगे जाके ये डिलीवरी पाइप, दोनों पंप का डिलीवरी पाइप क्या होता है, एक ही पाइप में कनेक्ट हो जाता है, इस पाइप को हम बोलते हैं कॉमन पाइप। तो यहाँ पंप नंबर वन से Q1 डिस्चार्ज मिला, पंप नंबर टू से Q2 डिस्चार्ज मिला, और दोनों को हमने मिला दिया तो टोटल डिस्चार्ज हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे। ठीक है, कॉमन पाइप पे तो टोटल डिस्चार्ज Q1/Q2। इस तरीके से जब अधिक डिस्चार्ज आपको फ्लो कराना हो तो हम दो या दो से अधिक पंप को क्या करते हैं, ऐसे समानांतर श्रेणी में जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मान लो एन नंबर ऑफ पंप हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एन नंबर ऑफ पंप हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक पंप से एक कॉमन डिस्चार्ज हो रहा है क्यू, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, एन इंटू क्यू है ना, जितने भी पंप होंगे उसके हिसाब पे टोटल डिस्चार्ज हमें एन इंटू क्यू प्राप्त होगा। इस तरीके से अधिक डिस्चार्ज और अधिक शीर्ष प्राप्त करने के लिए हम मल्टी स्टेज पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि मल्टी स्टेज पंप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।